दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने शुक्रवार को नया शैक्षिक सत्र 2021-22 के शुभारंभ पर सभी शिक्षक गणों को संबोधित किया। दीक्षा भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कोविड महामारी की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के नए एकेडमिक कैलेंडर को भी लॉन्च किया। उन्होंने सभी डीन हेड ऑफ डिपार्टमेंट से इस शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार सत्र को संचालित करने का निर्देश दिया। इस दौरान सभी शिक्षक गणों से संवाद करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने प्रतिष्ठित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में गोरखपुर विश्वविद्यालय को स्थान बनाने के लिए सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कुलपति ने बताया कि परीक्षा समिति की बैठक में UG और PG प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। UG में दूसरे और तीसरे वर्ष और PG में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन 29 जुलाई से किया जाएगा। UG और PG की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी। परीक्षा बहुविकल्पीय और डिस्क्रिप्टिव होगी। प्रैक्टिकल में भी 50% OMR युक्त सवाल पूछे जाएंगे। 50% प्रोजेक्ट असाइनमेंट पर अंक प्रदान किए जाएंगे। 15 अगस्त से पूर्व परीक्षाओं का आयोजन कर सत्र नियमित रखने पर फोकस होगा। जो विद्यार्थी अगली कक्षाओं में प्रमोट हो गए हैं उनकी कक्षाएं 1 जुलाई से ऑनलाइन मोड में चलेंगी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर सहित कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, जा रहे हैं और हमें अपना लक्ष्य A+ या A++ के बीच में हम लोगों ने केंद्रित किया है। इसी के संदर्भ में हम लोग आज तक पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमने आज डायरेक्टर NIR, कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर NAC को भी अपने साथ हम लोग इन्वाइट किए हैं, क्योंकि कुछ विभागों से हम लोगों ने डेटा मांगा है, कुछ डेटा आने में परेशानी हो रही है, उसके बारे में थोड़ा भी प्रकाश डालेंगे जिससे कि हम लोगों को डेटा आसानी से उपलब्ध हो सके और सारी चीजें हम लोग कर सकें। कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बारे में माननीय कुलपति विस्तृत वार्ता करेंगे आप लोगों के बीच। आई थैंक द वाइस चांसलर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू अबाउट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट for the university, that is the NIRF ranking. We are all overjoyed, very happy to get the information that we are one of the best 100 universities in this country according to QS ranking. We all know that is the most prestigious ranking all over the world, and having a place in the QS ranking even at the national level is a matter of pride for us. And we all should enjoy this and celebrate this, take opportunity to convey people that we are one of the best universities in this country. The national level ranking by the HRA industry, you know, it was instituted in 2015, and the parameters jo hai wo to international rankings hai, very important, because it will give us a place in our national space. And iske jo parameters hai wo हमारे नेशनल कंडीशंस के हिसाब से भी बनाया गया है, विच एक्चुअली दोस पैरामीटर्स आर नॉट देयर इन द इंटरनेशनल रैंक। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बिकॉज हमारे डाइवर्सिटी इतनी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, यू नो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, जेंडर डाइवर्सिटीज है, सो वी हैव अवर क्राइटेरिया इन NIRF इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंक्लूसिविटी, हाउ इंक्लूसिव वी आर इन यू नो इन यू नो अडैप्टिंग और इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट फैकल्टी। So when we go to your NIRF ranking, the most important, you know, there are 5 criteria which we need to look at. The first is teaching, learning and resources. Okay, the second is research and professional practice. The third is graduation outcomes. Fourth is outreach and inclusivity and perception. So the thing is teaching, learning and resources, what we do is that we have a methodology. The thing is, NIRF expects us to actually give them authentic data and they verify it. Because you see, one of the very important thing about the QS ranking was that the perception about this university. The perception. And here you have a perception criteria. Inputs from various employers and
फैकल्टी टू नो एक्चुअली हाउ व्हाट इज आवर परसेप्शन व्हाट दे फील अबाउट द यूनिवर्सिटी। मैंने सोचा कि एडमिट सेशन स्टार्ट हो रहा है और आपसे बात किया जाए, कुछ शेयर किया जाए कि एकेडमिक सेशन कैसे चलेगा। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, हम लोग मैनेज किए हैं अपने कोर्सेज को, सीबीएस सिस्टम यूजी में लागू होने की बात हो रही है, पीएचडी को भी हम लोग मैनेज किया है, नए एग्जामिनेशन कैलेंडर बने हैं। उसके साथ साथ कुछ अच्छी खबर यूएस रैंकिंग के बारे में से आई, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। क्योंकि मैं इस रैंकिंग बिजनेस से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसके काफ़ी प्लस एंड माइनस पॉइंट पता है, हम सबको पता होना चाहिए और उसमें हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। पहले तो इस सत्र के साथ पर मैं सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ कि नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो गया है। कोविड-19 से हम लोग रिकवर कर रहे हैं, सारा देश हिला हुआ है, जो हेल्थ पे तो हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। हेल्थ सिस्टम की बहुत सारी वीकनेसेस हमें जानी है, लेकिन जो एक सेक्टर जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, एजुकेशन। एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, ये काबिल यूनिवर्सिटी में होना है और कॉलेज में होना है, और वो भी थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। जो इमीडिएट टास्क हमारे पास है करने के लिए, कि 1 जुलाई से हम लोग की क्लासेस आ गई, ऑनलाइन क्लासेस आ गई, तो इमीडिएटली हम लोग उन्हें एक टाइम टेबल कमेटी बनाई हुई है, तो टाइम टेबल कमेटी वर्क कर रही है। वी नीड ट्रांसपेरेंसी एंड मोर इफेक्टिवनेस ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चली गई है, लेकिन लिटरली हम लोग का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसको स्ट्रांग होना है। हम कुछ तो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, एक कमेटी बनी हुई है, मैं आज ही उस मीटिंग करने जा रहा हूँ। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे रिक्वेस्ट किया था 26 तक सारे एचओडी जो कमी है और उसको हम लोग मॉनिटरिंग भी कर सकते, तो उसके रिजिस्ट्रेशन के साथ में साथ साथ एक टीम है जो आपको फीडबैक दे रही है। तो एक हम लोग को स्टार्ट करना है। एग्जामिनेशन की कल एग्जामिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी, हम लोग सारे जो 2021 के एग्जाम सबको शुरू कर लिया है, उसको आज सरकार ने भेज भी दिया, कोशिश की है जो गाइडलाइन सरकार से आई उसी में भेजें, पर एक कोशिश ये भी है कि कोई भी क्लास जैसे फर्स्ट को हम लोग प्रमोट कर दिया, फर्स्ट ईयर को UG PG दोनों में प्रमोट कर लिया अलग सिस्टम है, लेकिन उसमें एक कमेटी भी बनाई, एक कमेटी वो किसी स्टेज पर आपको बताएगी कि इसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाए, कि कल को ये पूछा जाएगा कि आपको इस बार एक चर्चा हो रही है पिछली बार फर्स्ट हमने आपको कर दिया था, तो सरकार से ही आया है कि सेकेंड में कर दिया है लोगों को प्रमोट उनका कोई एग्जाम नहीं, तो ये कभी ना कभी आएगा। तो ये यूनिवर्सिटी को जो वैक्यूम है, जो हो सकता है गवर्नमेंट उसके कार्य नहीं कर पा रही है, उस वैक्यूम को फिल करना है, तो हमने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी बताएगी कि इनका इवैल्यूएशन सिस्टम कैसे किया जाए, हो सकता है हम एग्जाम शुरू कर दें या काट कर दें, तो हम लोग कमिश्नर को मौजूद है। उसका 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक हम लोग करेंगे और फाइनल एग्जाम जो होगा इस एकेडमिक सेशन का वो फरवरी के लास्ट वीक में होगा। मैं चर्चा करूंगा एग्जामिनेशन कैलेंडर की भी लास्ट वीक हुआ होगा और एकेडमिक कैलेंडर हम लोगों ने बनाया है, आप लोगों को सर्कुलेट होगा। बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा PhD के एग्जाम और लाभ एक इशू आ रहा है,
एग्जामिनेशन इन सर्विसिंग सिस्टम हैज टू बी शेड्यूल्ड ऑन टाइम, वो दैट हैज टू बी नोटिफाइड टू कंट्रोल एग्जामिनेशन, वो हम लोग को करना है। होता क्या है कि अब वो ये मान के चलिए कि जब आपका जो एग्जाम है एकदम जो एग्जामिनेशन रिविजन निकलेगा उसी ने कराना है, एक्सेप्शन हमने ला है कुछ फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर का हम लोग जो भी है, इसी तरह से पी एच डी पे भी कुछ करने जा रहे हैं जो कि थोड़ा सिस्टम ऑर्गेनाइज हो जाए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू डिक्लेयर एग्जामिनेशन कैलेंडर एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट। अगर आप उसको मिस कर गए तो सेमेस्टर आप मिस कर गए, लिटरली नेक्स्ट ईयर चला जाएगा एंड इट हैज टू बी इट हैज टू कम फ्रॉम रेडी कि ये ड्यूरेशन जैसे सेप्टेम्बर में होना है विंटर तो सेप्टेम्बर में ही होना है, उसका कोई वो नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन होगा वो हम लोग मैकेनिज्म। तो ये चीज़ें कुछ की हैं, इसका प्रेजेंटेशन मैंने राजभवन में दिया था 31 अक्टूबर को, सॉरी 31 मई को हम लोगों ने प्रेजेंटेशन किया था, उसको बकायदा पूरा अकेडमिक सेशन का हम लोगों ने बना के दिया था और महामारी ने उसको अप्रिशिएट किया था, क्योंकि मैं फैकल्टी से मिल नहीं पाया था। जिस दिन ये रैंकिंग आई थी मैंने हेड्स को बुलाया और हेड्स के साथ एक दिन शाम को आए थे तो हेड्स वो सुन नहीं सकता था, तो आए गए अपॉइंट की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जान लिया और शेयर किया, मैंने सबको बधाई दी, उसके बाद हमने दूसरे कहा दिस इज समथिंग विच यू हैव टू शोकेस, अपनी क्वालिटीज को शोकेस करना है। मैं इससे भी आया, मैंने बहुत कम सोशल मीडिया पे ये देखा जिससे हमारे टीचर या हमारे हेड ऑफ डी उसको शेयर कर रहे हैं, उसका वो पैटर्न नहीं है, वो पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा। उसका फायदा क्या है, बस मैं आपको जब बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन कैसे बनती है, उससे रेपुटेशन बनती है। इसी को शेयरिंग अगर मैं एक ऑर्डर करने जा रहा हूँ कि हर हेड का फेसबुक अकाउंट होगा, हेड का होगा, ट्विटर अकाउंट होगा, इंस्टाग्राम होगा, और उसके रेगुलर आप अपनी चीज़ें शेयर करते रहिएगा, किसी के अकाउंट से भी चैट होगा, सारे प्रिंसिपल्स का अकाउंट होने जा रहा है, सारे डीन का अकाउंट होने जा रहा है, हमारे सारे ऑफिसर्स का, वो आप करते रहिएगा। ये हम लोगों ने कोविड-19 से सीखा है, आप अपने टाइम के लिए शेयर कर सकते हैं, आप अपने बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं, हो सकता है कुछ है उसको प्रॉब्लम हो उस दिन की प्रॉब्लम, हाँ उसके लिए पर्सन उसको रखिए अपना पी ए को रखिए वो कर, ये छोटी बात है। तो ये एक ऑफिशियल ऑर्डर भी आने जा रहा है और फर्स्ट शेयरिंग ये होना चाहिए क्यू एस रैंकिंग में हमारी पोजिशन है जो सर्कुलेट हमारी रेपुटेशन को और बढ़ाए। क्यू एस रैंकिंग के बारे में बताएं जो वन ऑफ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रैंकिंग, जो कुछ रैंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है उनमें क्यू एस रैंकिंग भी है, पहले उसको हायर एजुकेशन रैंकिंग कहते हैं। ए एस में पब्लिकेशन के डेटाबेस का स्कोपस का डेटाबेस से लिंक है, वहाँ से होता है, जो सबसे ऑथेंटिक और बड़ा डेटाबेस है उन्हीं के पास है, उस डेटाबेस को यूज करके बनाया गया है। कुछ ऐसे कमेंट आया जिससे कन्फ्यूजन था, ये यूजली जून में ही होती है, जून जुलाई में न्यूज रैंकिंग डिक्लेयर होती है और बड़े कई तरह की, इस बार जब डिक्लेयर हुई तो ये अलग अलग है, यूएस रैंकिंग सब्जेक्ट से रैंकिंग करता है, यूएस रैंकिंग पूरे इंटरनेशनल रैंकिंग करता है, यूएस रैंकिंग रीजन की रैंकिंग करता है, किस रीजन से रीजनल रैंकिंग में बहुत सारे एशिया की क्या रैंकिंग है, यूरोप की क्या रैंकिंग है, नॉर्थ अमेरिका की क्या किस तरह है, यूएस में इसी तरह से लोकेशन वाइज रैंकिंग भी उन्होंने किया है। लोकेशन वाइज उन्होंने इस बार चार कंट्री की किया है, इंडिया का, चाइना का, जापान का, साउथ कोरिया का। तो जो एक जो इंटरनेशनल रैंकिंग है वो रेगुलर फर्स्ट आती है, उस रैंकिंग में जो 10 में उसकी फर्स्ट आई, जैसे एमआईटी फर्स्ट है, एमआईटी सब जानते हैं इंजीनियरिंग का बेस्ट है,
उसके बाद स्टैनफोर्ड है, सेकेंड है हार्वर्ड थर्ड, फिर फोर्थ कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ऑक्सफोर्ड फिफ्थ है, स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, स्विट्जरलैंड है, कैम्ब्रिज है सेवन्थ, उसके बाद शिकागो है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन है, ये 10 वर्ल्ड रैंकिंग है। उस वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया की जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी आई है 122 नंबर पर आई है पूरा आईटी में, और इसमें से जो 1000 में करीब हमारे 15-20 हैं, उनमें ज़्यादातर सारे आईआईटीज हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी है, नेचू है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इस तरह से। तो वर्ल्ड रैंकिंग से जो कंट्री का रैंकिंग को कंट्री लेना है, हमारी रैंकिंग आई है जो यूएस में इंडिया की अलग की है, जो हमने मैंने बताया लोकेशन है, एक रीजनल रैंकिंग भी है, रीजनल में बहुत उसमें, तो उसमें आईआईटी कानपुर जो था, जो हमारे जो उसमें निकाला गया, उसमें आईआईटी कानपुर यूपी में फर्स्ट है, इंडिया में सिक्स है और यूपी में फर्स्ट है। इसी तरह बीएचयू इंडिया में 19 है और सेकेंड यूपी में, इससे थर्ड एएमयू है, और उसके बाद डीयू, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी एडमिट कर गए थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 90 रैंकिंग है, जैसे हवाई 96 है। ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी में केवल डीयू। आज देखिए दो चीज़ें थी कि हमारा 16 जून से 21-22 का सेशन स्टार्ट किया हमने, तो उस सेशन को में कई चेंज, क्योंकि एग्ज़ाम नए सिस्टम से हो रहा है, एकेडमिक कैलेंडर नए सिस्टम से बन रहा है, लागू हो रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं और थोड़ा लेट चल रहा है, तो उसमें जो बचा रहा था कि शेयर करें उस प्लेटफॉर्म में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी अभी रैंकिंग आई है, हमारी जो क्यूएस रैंकिंग 100 यूनिवर्सिटीज़ में आई है, और गोरखपुर यूनिवर्सिटी यूपी और बिहार में स्टेट यूनिवर्सिटी में सबसे ऊपर है, तो वो चर्चा कई थोड़ा सा फैकल्टी से बात नहीं हुई थी, तो मैं चाह रहा था फैकल्टी से भी किया जाए। ये लास्ट 5 साल का डेटा है, लास्ट 5 साल में हम लोगों का रिक्रूटमेंट भी हुआ है, तो ये डेटा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नई फैकल्टी आई है उनको जानना चाहिए क्या क्या कैसे हुआ है, तो जिससे अपना विजिबिलिटी बढ़ा सके। ज़रूरत है अपने पब्लिकेशंस को वेबसाइट पर डालने की, अपने साइटेशंस को जानने की, उसको पब्लिकली वो करने के लिए, उसको सबमिट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें बताई हैं। बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि रैंकिंग की कैसे जाती हैं, और एक इम्पॉर्टेंट रैंकिंग है, हम सेलिब्रेट करना चाहते थे, सबके साथ खाना भी खाना चाहते थे, लेकिन ये चूँकि ये वो है कोविड-19 कारण हम लोग ने डिफर कर दिया है, हम लोग एक बार फैकल्टी के साथ लंच लेंगे, तो ये सारी चीज़ें हुए, एकेडमिक कैलेंडर ये, और जो एक राजभवन से इंस्ट्रक्शंस आए थे महामहिम ने, वो सारा हमने कन्वे किया है, तो इसी बहाने हम लोग का इंट्रक्शन हुआ है। धन्यवाद।